बीएस क्वेश्चन एकेडमी के समझ की सीढ़ी प्लेलिस्ट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे संक्षिप्त रूप में इस वीडियो में व्यक्तित्व के बारे में। अक्सर इसे साक्षात्कार में पूछा जाता है और अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर साक्षात्कार में आपके व्यक्तित्व का ही परीक्षण किया जाता है कि आप किस पद के लिए जा रहे हैं, उस पद के लिए आपका व्यक्तित्व संगत है, कंपैटिबल है या अनुकूल है या नहीं। तो कई बार यही सवाल पूछा जाता है कि व्यक्तित्व क्या है, और अक्सर साक्षात्कार के दौरान लोगों की स्थिति असहज होती है और इस सवाल का अगर उन्हें फैक्चुअल उत्तर देना हो तो शायद नहीं दे पाते हैं और कुछ उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर तथ्यात्मक रूप से एक या दो पंक्तियों में इसका जवाब देना हो तो इसे इस रूप में बताया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति की वह विशेषताएं जो उसे अन्य व्यक्तियों से पृथक करती हैं वही उसका जो है व्यक्तित्व होता है। क्योंकि हमें अगर उसके बारे में किसी भी बिंदु के माध्यम से, किसी व्यवहार के माध्यम से, किसी विशेषता के माध्यम से बताया जाना हो तो हम यही चीज बताएंगे कि उनके पास इस बात की विशेषता है, उनका ये कार्य है, उनका ये प्रभाव है और इसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। तो व्यक्तित्व के कई आयाम हो सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, समाज सेवा, इसी तरीके से कई प्रकार के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर व्यक्ति जो है कार्य करके अपने आप को पृथक साबित करता है और इन पृथक पृथक जो है बिंदुओं से मिल करके ही जो विशेषताएं समुचित रूप में सामने आती हैं वही उसका व्यक्तित्व होता है। कोई व्यक्ति समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाता है, कोई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, कोई राजनीति के क्षेत्र में अपने कद को बहुत ऊंचा कर लेता है, समाज सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाता है और उस फील्ड में एक वो इंस्पिरेशन का जो है प्रतीक बन जाता है। इसी तरीके से कोई धार्मिक क्षेत्र में, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से व्यक्तित्व के कई आयाम होते हैं और उन आयामों में व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यवहार और विशिष्टताओं को मिला करके जो समुच्चय बनता है वही उसका व्यक्तित्व होता है। तो इस तरीके से कई बार जो है ये सवाल आपके साक्षात्कार में भी पूछा जाता है, तो इसलिए इसको आज के संक्षिप्त वीडियो में शामिल करने का जो है प्रयास किया गया। अर्थात किसी भी व्यक्ति का विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कार्य करके जो विशिष्टताएं वह बनती हैं और अन्य व्यक्तियों से वह उसे पृथक करती हैं वही जो है उसका जो है व्यक्तित्व होता है। तो आज के इस वीडियो में संक्षिप्त रूप में हम लोगों ने व्यक्तित्व के बारे में जानने का प्रयास किया। तो इसी तरीके से आगे आने वाले समय में हम संक्षिप्त वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आते रहेंगे। और क्रिएटिव टीम की डिमांड पर अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो आप लोगों को तत्काल उसी समय मिल जाए।